हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घरका में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पटेटो वेज चीज सैंडविच। ये घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम आसानी से बना के बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, हरी मटर, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती, राई, हल्दी, नमक, ग्रीन चटनी, अमूल चीज, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज की स्लाइस और ब्रेड। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया है, उसमें हमने राई डाल दिया है। राई तड़कने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती और हरे मटर ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक के भूनने देंगे। अब इसे हमने 2 से 3 मिनट तक के भून लिया है। अब गैस ऑफ करके इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड में हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ग्रीन चटनी बनाना आपको हमने पहले बताया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, आप उसमें देख सकते हो कि ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं। अब इसे हम ब्रेड में लगा लेते हैं। ग्रीन चटनी के ऊपर बनाए गए आलू की फिलिंग रख लेंगे। फिलिंग को हम अच्छे तरीके से इसमें प्रेस कर देते हैं, यानी हाथ से दबा देते हैं। इसके ऊपर में चीज की स्लाइस रख लेते हैं जो आसानी से दुकान में अवेलेबल होते हैं। अब इसके ऊपर हम टमाटर के स्लाइस रख लेंगे और प्याज के भी स्लाइस रखेंगे और साथ ही शिमला मिर्च के स्लाइस रख देंगे। जिसको चीज ज्यादा पसंद हो वो एक और चीज की स्लाइस इसके ऊपर रख सकता है। फिर हम एक ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर हरी चटनी लगा लेंगे। ग्रीन चटनी लगा लेने के बाद ब्रेड को उसके ऊपर हम अच्छे से लगा लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब हम एक तवा या पैन लेंगे, उसको गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद उसमें हम बटर ऐड कर लेंगे। बैटर को चारों तरफ तवे में फैला लेते हैं अच्छे से। अब हम ब्रेड रख लेते हैं और तवे को थोड़ा सा हिलाते हुए बटर को सब तरफ से फैला लेते हैं। इसे हम प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से दबा दबा के भूंजेंगे। नीचे से इसे लाल होने तक के भूंजना है। इसे हम दबा दबा के इसलिए भूंजेंगे कि जिससे ये कि अंदर की सब्जियां थोड़ी हल्की पक जाए। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से भून चुकी है और अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे चाकू की सहायता से अच्छे से काट लेते हैं। अब हमारी पटेटो वेज चीज सैंडविच तैयार हो चुकी है। इसे आप घर में जरूर बनाइएगा, ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगी। इसे आप जरूर ट्राई करिए और शेयर करिए।